जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे कोर्स की फोर्थ वीडियो है जिसमें हम ईमेल करेंगे वेंडर साइट्स को, वेंडर को, एडमिन को हम ईमेल करेंगे। इसमें मैं आपको तीन टेम्पलेट्स दूंगा जो एडमिन को आप कर सकते हो। जो पर्सनली टेम्पलेट है वो भी मैं दूंगा। उसके अलावा मैं आपको चैट भी दिखाऊंगा, एडमिन से चैट कैसे करते हैं, एडमिन को हाई प्राइस से लो प्राइस पे कैसे ले कहते हैं, उसको कैसे निगोशिएट करते हैं। और प्लस मैं आपको दो बार्गेनिंग टेम्पलेट्स भी दूंगा जिसमें आप उसको बार्गेनिंग करके उसको कम कराते हो प्राइस, ये भी करूंगा आपको मैं। अब हम चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ। अब जैसा कि ये हमारे पास शीट बन चुकी है, ये आप चेक कर लें, शीट बन चुकी है जिसमें मैंने एक साइट ऐड कर दी है tastefulspace.com। इसमें DA, PA, DR, ट्रैफिक, स्पैम, स्कोर सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें एडमिन प्राइस नहीं लिखी हुई, कॉन्टैक्ट अस नहीं लिखा हुआ। अब हम इस साइट पर जाते हैं, सबसे पहले इस साइट पर जाते हैं एक बार। और मैंने यहाँ पर आपके सामने एक क्रोम एक्सटेंशन है, एक क्रोम वेब स्टोर से एक एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेना। कल आपने जो लास्ट लेक्चर थे हमारे उसमें मैंने दो किए थे। एक किया था हमने हंटर के नाम से, एक है ईमेल हंटर के नाम से। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। ये आपने सर्च कर लेना है, गूगल पे सर्च कर लोगे आप या फिर आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पे आ जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करोगे क्रोम वेब स्टोर, वहाँ पर आप ईमेल हंटर यूज़ करके, ईमेल हंटर पे क्लिक करके आप ईमेल हंटर आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका क्या काम होता है अब देखिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी ये ईमेल नहीं दिखा रहा इस पेज पे, क्योंकि होम पेज पे उसके मुताबिक कोई ईमेल नहीं है। आप देख भी लें, इसमें ईमेल नहीं होगी। यहाँ कॉन्टेक्ट अस का पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल है, यहाँ पर अब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे जो हमारा है इस टाइम ईमेल हंटर है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ईमेल आ गई है खुद ब खुद, अदरवाइज वैसे भी ये आ जाएगी। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, इस ईमेल को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर शीट में यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। शीट में अपडेट कर दी और इसके बाद स्टेटस पे है, क्योंकि इसको हमने अभी ईमेल नहीं की। अब मैं आपको मैं टेम्पलेट्स दिखाता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये वाले टेम्पलेट्स हैं, हाय आई एम फखर एंड आई एम अ कंटेंट राइटर, आई हैव रिटन न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर अथॉरिटी साइट्स इन आवर इंडस्ट्री। नीचे आपने वेबसाइट का लिंक लगा देना, जैसा कि मैंने लगाया हुआ था अभी जो हमने लेटेस्ट कर रहे हैं। अब मैं इस पे ये कॉपी करके यहाँ पे मैंने वो किया हुआ, यहाँ पे आप नाम इसका लिख लें, tastefulspace.com। ये हमने इसको वेबसाइट का जो यूआरएल है, डोमेन है, हमने वो लिख लिया। इसके नीचे आप पढ़ लेंगे तो बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। नीचे इसके नीचे आप चेक करोगे तो आपको लिखा होगा प्राइस फॉर नॉर्मल पोस्ट, लिंक इंसर्शन, एक्स्ट्रा लिंक एक्सेप्ट, ठीक है। और ये आप चेक कर लें। अब ये भी है आपके सामने, नीचे एक और टेम्पलेट है, इसके नीचे एक और टेम्पलेट है। तीन टेम्पलेट्स हैं और दो बार्गेनिंग के हैं। बार्गेनिंग में सिर्फ यही है कि आप उसे कहते हो कि मुझे प्राइस लो करो, मैं बल्क ऑर्डर्स आपको दूंगा, इसमें ये होता है। अब मैं आपको चैट दिखाता हूँ एडमिन की, यहाँ पर मैं चैट दिखाता हूँ आपको। एक एडमिन है रिचल, आपको मैं उसकी चैट दिखा देता हूँ। अब हमारे पास चैट ओपन हो गई है। अब इसको मैंने 21 नवंबर में मैंने इसको ईमेल की थी, क्योंकि मेरे पास तो ऑर्डर से इसको ईमेल की, इसने मुझे रिप्लाई किया कि हम 45 जो है ये हम लेते हैं $45 फॉर जनरल, और कसिनो और गैम्बलिंग पोस्ट के लिए $70 हम लेते हैं। तो मेरे जाहिर सी बात है इतना बजट मेरा नहीं था और मेरे क्लाइंट का भी इतना बजट नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने वही टेम्पलेट उसको सेंड की। टेम्पलेट सेंड करने के बाद मैंने उसको, उसने मुझे कहा कि फाइनल प्राइस जो होगी वो $35 हो जाएगी और गैम्बलिंग और असम्बलिंग गैम्बलिंग और कसिनो के लिए आपकी 65 हो जाएगी। लेकिन मेरे पास दो आर्टिकल्स उस टाइम थे, लेकिन मैं उसे कह रहा था कि आप मेरे साथ डील कर लो $20 पे फॉर बल्क ऑर्डर। उसने कहा नहीं, नो। फिर मैंने बोला कि $30 पे आ जाओ। फिर एट द एंड क्योंकि मुझे ऑर्डर आया हुआ था, मुझे 45 मेरा क्लाइंट दे रहा था दो ऑर्डर्स के लिए, 70 दो पोस्ट के लिए। मैंने फिर 35 में उसको डन कर दिया दो आर्टिकल्स। जब मुझे दो आर्टिकल्स आए तो मैंने 30 बोला, लेकिन फिर वो नहीं मानी। फिर 35 वो मान गई, फिर वो कहती कि हाँ आप मुझे सेंड कर दो आर्टिकल्स। मैंने ये देखे दो आर्टिकल्स उसको सेंड किए 2 दिसंबर को, दो आर्टिकल सेंड किए।
फिर उनका रिप्लाई नहीं आता। वीकेंड में मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं यूएसए के, उनका रिप्लाई नहीं आता क्योंकि वो ऑफलाइन होते हैं। उसके बाद आप चेक कर लें तकरीबन 2 तारीख को फिर मैंने अगेन उसको सेंड करी, शायद उसको रिसीव ना हो या उसने ओपन ना किया हो। फिर 3 दिसंबर को उनका एक और मैसेज आता है, मुझे ईमेल आती है, उन्होंने कहा कि वर्किंग ऑन इट, मुझे समझ लगी कि वो मेरे जो ऑर्डर है उस पर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर तो आप फर्दर ना रफ्ता रफ्ता एक दिन बाद अगर आपका ऑर्डर लगा हुआ है, एडमिन ने कह दिया कि हम वर्किंग कर रहे हैं, एक दिन बाद आप खुद उसको जाके सर्च कर लो टाइटल से। मैं क्या करता हूँ, एडमिन का वेट नहीं करता कि एडमिन रिजल्ट दे दो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी पोस्ट लग चुकी होती है लेकिन एडमिन आपको लेट ईमेल करता है आपके लाइव लिंक के साथ। आप अपना जो टाइटल है आपके जो आर्टिकल का था वहाँ पे आप उस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर लें, ये बेस्ट होता है। मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा कर चुका हूँ, 2-2 दिन बाद मुझे रिप्लाई करते हैं एडमिन की ये लाइव लिंक है, उससे 2 दिन पहले मुझे मिल चुका होता है और मैं वो एडमिन को जो एडमिन से बाद में देते हैं लेकिन मैं वो मुझे पहले मिल चुका होता है और मैं आगे जाके दे देता हूँ उसको अपने क्लाइंट को। अब मैं इसको आप आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने इसको रिप्लाई कर दिया, काइंडली गिव मी लाइव लिंक एज सून एज पॉसिबल। ये देखिए मैंने 4 दिसंबर को उसको रिप्लाई कर दिया कि आई गॉट 2 लाइव लिंक्स, काइंडली सेंड मी योर पेपर आईडी। फिर उसने कहा संडे इज ऑफ, देख लें 4 दिसंबर को उसने मुझे लाइव लिंक मिल गए थे लेकिन उसने मुझे कहा संडे इज ऑफ। फिर मेरे ख्याल से 4 दिसंबर को काफ़ी देर बाद उसने मुझे सेंड कर दिया था लाइव लिंक और मुझे उसने इनवॉइस सेंड की। इनवॉइस आप चेक कर सकते हैं, इनवॉइस मैंने तकरीबन कई $7 की इनवॉइस थी वो मैं पे कर चुका था एडमिन को। ये हमारी डील डन हो चुकी थी। इसके बाद मैंने उनको काफ़ी ऑर्डर दिए और यही ऑर्डर मैंने 30 में भी लगवाता रहा हूँ। फिर ये टेस्टफुल स्पेस जो 35 में था फिर मैं 30 में भी उसको लेके आया हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं, ये इनवॉइस है, इनवॉइस पे हो चुकी है, इनवॉइस पे हो चुकी है। आप जब एडमिन से एक बार डील कर लेते हो ना तो सेकेंड जो डील होती है ना तो वो काफ़ी लो प्राइस पर आ जाते हैं। अब सेम टू सेम ऐसा ही होता है, आपने ये टेम्पलेट करनी है कॉपी। अब मैं आ जाता हूँ कंपोज पे आ गया, यहाँ पर आपने इसको जो इसका ये रिचर टेस्टफुल स्पेस, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट पे आपने लिखना है यहाँ पे बिजनेस इंक्वायरी, यहाँ पर लिख देना पेड गेस्ट पोस्ट। और जो ये है हमारे पास हमारी टेम्पलेट है, जो इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप कॉपी कर लें लेकिन उसमें साइट लाजमी मेंशन करें क्योंकि काफ़ी एडमिन की 2-3 साइट्स होती हैं तो इसके लिए साइट मेंशन करना लाजमी है उसमें, चाहे वो आप शुरू में मेंशन कर दें या फिर आप एंड में मेंशन कर दें लेकिन साइट मेंशन करना लाजमी है। यहाँ पर आप इसको साइट मेंशन कर दें, साइट मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप उसको ईमेल कर दें यहाँ। अब ये ईमेल सेंड हो चुकी है उसको, क्लाइंट को मींस के एडमिन को ये ईमेल हमारी सेंड हो चुकी है। अब जब वो इसको सीन करेगा, इसको रिप्लाई करेगा तब हमें वो रिप्लाई कर देगा। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, बाकी जो भी क्वेश्चन वगैरह हो डिस्क्रिप्शन में मैं 3 WhatsApp ग्रुप्स के लिंक लगा दूंगा, आपने वो भी ज्वाइन कर लेने, फिर आप मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मुश्किल कोई भी परेशानी आती है इसके रिलेटेड। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।